हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंडिंग वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं बताऊँगा इस टाइप का वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग का कुछ पास एक्स्ट्रा है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, और इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर जाना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे हमारा राइट साइड का जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हमारे वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने का कलर फिल्टर पे आना है, और यहाँ पे हमें कलर जो है ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर से ऊपर आपको ग्रीन कलर मिल जाता है। इसके बाद इसे डन करना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे आना है, और यहाँ पे सही तरह से कलर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इस वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हमें फिर से हमें बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसी के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में लगाना है वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो जो हमारा ओरिजिनल वीडियो है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना है अपने हिसाब से, और इस पर क्लिक कर देना है। तो एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं साइड में जो लड़का दिख रहा था वो अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर से इससे क्लिक करता है, इसको थोड़ा हम उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तब देख सकते हैं प्रॉपर एडिट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इसे हमें क्रोमा की को इनेबल कर देना है, और थोड़ा इस साइड हमें एडजस्ट कर देना है। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट से पहले हम ट्रिम टू राइट कर देना है। यहाँ पर आपको वीडियो जो शूट करना है 12 सेकेंड के आसपास होना चाहिए। तो मैं एक बार यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई डू फेड आउट को ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपको लास्ट में जो वॉइस जो है स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे स्लो नहीं होगा। इसके बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जो तैयार हो चुका है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखें।